नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। देश और दुनिया भर में इंतजार हो रहा है कोरोना वैक्सीन का। दरअसल मार्च में लॉकडाउन लगा था, उससे 5-6 दिन पहले ही कोरोना के मामले सामने आए थे और तब से ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लाखों की तादाद में कोरोना से संक्रमित लोग हैं, हजारों की तादाद में लोगों की मौत हो चुकी है। अब यूं तो अनलॉक हो चुका है, लोग घर से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन अब सभी को इंतजार है कि भाई जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन आए और जो लोग इससे संक्रमित हैं उनको जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। इन सबके बीच भारत सरकार यूं तो कई कंपनियों के कॉन्टैक्ट में है जो कि कोरोना वैक्सीन जल्द से जल्द बनाने का दावा कर रही है, लेकिन इन सब के बीच खबर यह है कि भारत सरकार अमेरिका की मशहूर बायोटेक कंपनी मॉडर्ना से भी कांटेक्ट में है और वैक्सीन के विकास को लेकर लगातार भारत सरकार चर्चा कर रही है। खबर यह भी है कि जो ये कंपनी है जिसका नाम मॉडर्ना है, ये अपने तीसरे चरण में इस कोरोना वैक्सीन का जो प्रभाव है वो देख रही है। बताया ये भी जा रहा है कि 95.4% तक ये कोरोना वैक्सीन लोगों में प्रभावी बताई जा रही है। हालांकि अब ये भी डील होना बाकी है कि भारत सरकार को ये वैक्सीन कब तक मिलेगी और क्या ये इंसानों पर भी उसी तरीके से प्रभावी होगी जिस तरीके से ट्रायल जिन लोगों पर किया गया है या जिन जानवरों पर किया गया है उन पर ये प्रभावी रही है। खबर ये भी है कि अगर भारत सरकार इसी कंपनी से ये कोरोना वैक्सीन खरीदती है तो फिर उसका भारत में भी कुछ लोगों पर ट्रायल होगा, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जो कि बदले जा सकते हैं। दरअसल अगर कोई एक सीवियर केस आता है जहां पर कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल होना जरूरी होगा तो वहां पर बिना किसी डेमो के उसको अप्लाई भी किया जा सकता है, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। वैसे आपको बता दें सिर्फ मॉडर्ना ही नहीं बल्कि कई ऐसी कंपनियां हैं जिसके कॉन्टैक्ट में भारत सरकार है, जैसे कि अमेरिका की कंपनी फाइजर है, बायोटेक कंपनी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इन सबके कॉन्टैक्ट में भारत सरकार है। बता दें भारत सरकार से जुड़े एक सूत्र ने यह कहा है कि हम केवल मॉडर्ना से ही नहीं बल्कि फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला के भी कॉन्टैक्ट में है। तो जैसे ही कोरोना वैक्सीन कोई भी कंपनी बनाने का प्रभावी दावा करेगी, भारत सरकार उसे जल्द से जल्द भारत में लाने का प्रयत्न करेगी। बहरहाल कोरोना वैक्सीन से जुड़ी इस खबर को लेकर क्या है आपकी राय, हमें जरूर बताइएगा।